खबर के साथ, जहां गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है, कांग्रेस में गुट होते हैं, संगठन नहीं होते। कांग्रेस में अलग अलग गुट हैं। कांग्रेस में कमलनाथ गुट, अजय सिंह गुट है, कोई पचौरी गुट है, कोई दिग्विजय सिंह का गुट है। बीजेपी में संगठन सर्वोपरि है। बयान दिया है गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने। उन्होंने कहा है, कांग्रेस गुटों की पार्टी है जिसमें सबके अलग अलग गुट हैं, वहीं बीजेपी में संगठन सर्वोपरि है। भारतीय जनता पार्टी में ही निकल के आ सकता है, कांग्रेस में तो गुट होते हैं, संगठन होता ही नहीं है। वहां अलग गुट होता है, कमलनाथ गुट का, अजय सिंह गुट का, पचौरी गुट का, दिग्विजय गुट का। संगठन तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर है और हमारे यहाँ संगठन सर्वोपरि होता है। तो आपने सुना कि गृह मंत्री ने क्या कुछ कहा है। उन्होंने साफ तौर पर दर्शा दिया कि बीजेपी में संगठन ही सर्वोपरि है, और इसके साथ ही उन्होंने कांग्रेस को भी करारा जवाब देते हुए कहा है कि कांग्रेस में गुट हैं, सभी के उन्होंने नाम लिए। उन्होंने कहा, कांग्रेस में कमलनाथ गुट अलग है, अजय सिंह गुट अलग है, पचौरी गुट है, दिग्विजय सिंह का गुट है। कांग्रेस गुटों की पार्टी है जो अलग अलग धड़ों में बटी हुई है। वहीं बीजेपी के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा है, संगठन सर्वोपरि है। और इसी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता फिरोज सिद्दीकी जी और बीजेपी की नेता नेहा बग्गा जी जुड़ गई हैं। आप दोनों का स्वागत है बंसल न्यूज में। फिरोज जी, मेरा पहला सवाल आपसे है, जिस तरह से गृह मंत्री ने कहा है कांग्रेस गुटों की पार्टी है, उन्होंने तो नाम लेकर अलग अलग सबको क्लासिफाइड भी किया है। उन्होंने कहा है कमलनाथ गुट, अजय सिंह गुट, पचौरी गुट और दिग्विजय सिंह का गुट। क्या कहेंगे, क्या कांग्रेस गुटों की पार्टी है? कांग्रेस आज का संगठन नहीं है, 136 साल पुराना संगठन है जिसने कांग्रेस पार्टी को 54 साल 54 ईयर्स सत्ता में रखा। उसी संगठन ने इस देश को आजाद कराया है, उसी संगठन ने इस देश में लोकतंत्र की नींव रखी, और उसी कांग्रेस के संगठन ने अंग्रेजों को भगाया। कांग्रेस में अपनी बात कहने की, अपनी बात अभिव्यक्ति की आजादी कांग्रेस में है, अपने अपने बात को रख सकते हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी में नहीं है। इसलिए कांग्रेस को उनमें, कांग्रेस में उन्हें गुट दिखते। मैं तो सवाल करता हूं नरोत्तम जी से कि भारतीय जनता पार्टी तो शुरू से कहती थी कि हम कैडर बेस्ड पार्टी हैं, हमारे यहाँ बूथ से आदमी आता है, पहले एक अल्पकालिक कार्यकर्ता होता है, फिर पूर्णकालिक होता है। लेकिन ये कांग्रेस ही कैसे आ गए कार्य समिति पर? इतने सारे जो नेहा बग्गा जी हमारे साथ जुड़ी हैं, फिरोज जी उनसे ही जान लेते हैं। नेहा जी, फिरोज जी कह रहे हैं कि कैडर बेस्ड पार्टी है, और सवाल भी उठाए हैं उन्होंने कि कांग्रेस से जो लोग आए हैं उनको कैसे अपना लिया बीजेपी ने, क्या कहेंगी? देखिए, ये तो सभी जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी कैडर बेस्ड पार्टी है और संगठन सर्वोपरि है भारतीय जनता पार्टी का। और कांग्रेस की जो असलियत है वो भी सबके सामने है। फिरोज जी भी ये जानते हैं कि कितने सारे गुटों में वो खुद बटकर रह गए हैं मध्य प्रदेश के अंदर, चाहे दिग्विजय सिंह जी का गुट हो, कमलनाथ जी का हो, पचौरी जी का हो, अजय सिंह जी का हो, सज्जन सिंह जी का हो। और ये तमाम सारी बातें जो है ये लगातार कांग्रेस के संगठन के अंदर से आती है। आप पिछले दिनों देखिए कि अजय सिंह जी एक तरफ खड़े हो गए थे, कमलनाथ जी एक तरफ थे, उससे पहले उमंग सिंगार एक सुर में थे, तो दूसरी तरफ लक्ष्मण सिंह नजर आते हैं, कहीं पर दिग्विजय सिंह है तो कहीं पर कमलनाथ है, और ये लगातार होता आया है। इसीलिए ये दोनों जो दल हैं उनमें एक दूसरे का कंपैरिजन नहीं किया जा सकता। आप याद करिए, इनके जब राष्ट्रीय प्रभारी आए थे बाबरिया जी, जिस तरीके से उनपे जूते चप्पल चढ़ी थी, उनने खुद भारतीय जनता पार्टी के कैडर की एक मिसाल दी थी। और लगातार कांग्रेस पार्टी के जो शीर्ष नेता हैं वो भारतीय जनता पार्टी के कैडर को मानते हैं और समझते हैं, देखना चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी में भी ऐसा जीवंत कैडर दिखाई दे। G23 को देखिए, जो बार बार गुहार लगाता है कि भारतीय जनता पार्टी जैसा संगठन होना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी जैसे एक नेतृत्व होना चाहिए। जी नेहा जी, फिरोज जी, नेहा जी ने लंबी फहरिस्त बता दी है, एक छोटी सी प्रतिक्रिया 15 सेकंड की। देखिए, हर पार्टी में अभिव्यक्ति की आजादी होती है, लोग आपस में चर्चाएं करते हैं, कांग्रेस में खुल के चर्चा करना की जाती है। तो सर, भारतीय जनता पार्टी है कि सबको नजर आने लगता है। भारतीय जनता पार्टी में अभी क्या बैठकों को कैसे दौर चल रहा था, कुछ ही त्रिपुरा में क्या हो रहा है, वेस्ट बंगाल में क्या हो रहा है, अभी इससे पहले विश्नोई जी कुछ कह रहे थे, हमारी दूसरी नेत्री कुछ कह रही थी, कभी कोई विधायक कुछ कह रहा था, तो क्या भारतीय जनता पार्टी में ये नहीं चल रहा है? कांग्रेस पार्टी के संगठन सर बहुत कुछ चल रहा है, वाकई बहुत कुछ चल रहा है। आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया, समय की कमी है इसलिए हमें इस चर्चा को यहीं रोकना होगा।
तो फिलहाल ये जो खबर निकल करके आ रही है, गृह मंत्री ने बयान दिया है, बड़ा बयान है गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का। उन्होंने कहा है कांग्रेस में अलग अलग गुट हैं, कमलनाथ गुट अलग है, अजय सिंह गुट अलग है, पचौरी गुट अलग है, दिग्विजय गुट अलग है, वहीं बीजेपी में संगठन सर्वोपरि है। इसके साथ ही जो कुछ कहा गया वो भी हमने आपके सामने रखा, और इसके साथ ही फिरोज सिद्दीकी जो कहते हुए नजर आए हैं कि कांग्रेस पार्टी में सभी अपनी बात खुलकर रखते हैं।